हम लोग एस्ट्रोनॉमी में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ने के बाद ये सीखे कि हमारे गैलेक्सी में कैसे एक तारे का जन्म होता है और ब्लैक होल में उसका समापन हो जाता है। उसी में देखे थे कि हमारा सूरज एक यंग रेडिश स्टार है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं अपने सूरज की कुछ विशेषताएं और उसके अंदर की कुछ बातें। सूरज का रेडियस 6,96,000 किलोमीटर है और हमारे सन में 3 लेयर्स हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी देखे थे कि कोई भी तारा गैसों का बना होता है जिसमें हाइड्रोजन की प्रधानता होती है, लेकिन उसके केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। वही चीज़ हमारे सूरज में भी है। इसकी बाहर की परत में हाइड्रोजन ज़्यादा है और इसके नाभिक में हीलियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब भी इसके नाभिक में, जिसको कोर कहा जाता है, हाइड्रोजन हीलियम में तीव्र गति से संलयित हो रहा है और इसीलिए इसका कोर सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और इसमें हाइड्रोजन अधिकांश हीलियम में कन्वर्ट हो गया है। हीलियम एक भारी गैस है, इसलिए सूरज के कोर का की डेंसिटी भी ज़्यादा है, सीसा की अपेक्षा 12 गुना अधिक। ये सबसे डेंसेस्ट पार्ट है। इसके बाद इसके ऊपर की परत को रेडिएटिव जोन, विकिरण पेटी कहा जाता है, जिसमें से रेडिएशन होता है। किस चीज़ का? जो सूरज के केंद्र में चीज़ें बनती हैं, सूरज के केंद्र में संलयन से एक्स और गामा किरणें बनती हैं और फोटॉन्स जो ऊर्जा के वाहक हैं, ऊर्जा के कैरियर हैं, उनका भी फॉर्मेशन होता है। तो एक्स और गामा किरणें और फोटॉन्स इस लेयर को पार करते हैं और उनको 1 मिलियन वर्ष से ज़्यादा समय लग जाता है। इसके बाद ये एनर्जी आई और यही एनर्जी हमको अब बाहर दिखाई पड़ती है, पृथ्वी तक आती है। ये एनर्जी सबसे बाहर की परत को कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है, वहाँ से निकलती है। कन्वेक्टिव जोन की करेक्टरिस्टिक है, यह सेल्स से बनी होती है और इसमें भारी सेल आधार नीचे की तरफ और जैसे जैसे बाहर की परत की तरफ जाएंगे सेल्स का आकार छोटा होता जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये सेल किस गैस से बना होगा, ये हीलियम का बना होगा कि हाइड्रोजन का? उत्तर सरल है, हाइड्रोजन का बना होगा और सूरज के केंद्र में बनी एनर्जी इसी सेल से होकर निकलती है। जब सूरज की सतह पर आ जाते हैं तो इसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, प्रकाश मंडल। यही सतह हम पृथ्वीवासियों को प्रकाशित दिखती है, हम सूरज के केंद्र को नहीं देख सकते और इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ये किरणें जब निकलती हैं, जिसको हम इंसोलेशन कहते हैं और हम लोग एटमॉस्फेयर में उसको सोलर स्पेक्ट्रम के रूप में भी पढ़े थे, तो फोटोस्फीयर से निकली हुई एनर्जी जब सूरज के वायुमंडल में आती है तो इसके वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। क्रोमोस्फीयर सूरज का वायुमंडल ही है। इसके बाद एक घटना कोरोना होती है, जिसको हम लोग अभी समझते हैं। इसमें स्मरणीय है कि हमारे सूर्य से केंद्र से बनी हुई एनर्जी एट लास्ट इसके फोटोस्फीयर से निकलकर बाहर आएगी। कब तक ये घटना होती रहेगी? जब तक सूरज के केंद्र का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। जैसे ही पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, जरा आप सोचिए क्या घटना होगी। इसकी चर्चा हम लोग किए थे। ये आकार में सिकुड़ जाएगा और हमारे पूरे सूरज के द्रव्यमान का 1% आकार इसका हो जाएगा और परिणाम क्या होगा? ये बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन,
जैसे व्हाइट ड्वार्फ बना, बाहर की परतें इस पर ध्वस्त होकर के और रेड जायंट जैसा होगा, फिर हमारे सूरज का व्हाइट ड्वार्फ कहीं अंतरिक्ष में ब्लैक ड्वार्फ बनकर ब्लैक होल में चला जाएगा। चलिए, ये 4 अरब वर्ष बाद की बात है। हम लोग अभी देखते हैं कि हमारे सूर्य से बनी एनर्जी किस तरह से निकलती है। ये देख रहे हैं एनर्जी निकल रही है, इसको सोलर फ्लेयर कहते हैं। एनर्जी निकलने का 2 मोड होता है, एक तो नॉर्मल रूप में एनर्जी हमेशा निकलती रहती है जो हमको दिन में दिखाई पड़ती है, लेकिन कभी कभी यह एनर्जी अधिक मात्रा में निकलती है। जैसे हमारी दोनों नाक की सांस कभी सामान्य होती है तो कभी दाहिने नाक से ज़्यादा तेज सांस चलती है, कभी बाएं नाक से। इसका भी एक शरीर विज्ञान है, ऐसे ही सूर्य में भी एक विज्ञान है। कभी कभी यहाँ जब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ये बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, जिसको सोलर फ्लेयर कहते हैं, सौर ज्वाला। इसको सोलर प्रोमिनेंस भी कहते हैं, सोलर स्टार भी कहते हैं, सोलर विंड भी कहा जाता है, इसके कई नाम हैं। अब ये सामान्य रूप से जब निकलेगी तो यदि सन के नॉर्थ पोल, सन भी हमारा एक स्फीयर है, गोला है, और इसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अगर सूरज के नॉर्थ पोल के पास ये घटना हो रही है तो यह निकली हुई एनर्जी, जिसमें कि इंसोलेशन भी है और कुछ हल्की फुल्की जैसे हाइड्रोजन गैसें भी हैं जो प्रेशर से या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर चली जाती है, तो ये एनर्जी जो बाहर जा रही है, एनर्जी तो चली जाएगी, क्योंकि एनर्जी की हैबिट है हमेशा हाई से लो की तरफ जाना। लेकिन इसके साथ प्रेशर से निकली हुई जो गैस है, स्पेशली हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक आर्क, और बाकी सब कहीं अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। अब इसमें हमको ये देखना है कि ये एनर्जी जो निकल रही है तो यह, जैसा कि आपने देखा कि कन्वेक्टिव लेयर सेल्स की बनी है, तो 2 कोशिकाओं के बीच में एक जगह होती है, तो ये सोलर फ्लेयर या सोलर स्टार जब निकलेगा तो उस सेल्स के बीच से होकर निकलेगा, किसी भी कोशिका के, और कोशिकाओं से ही वह एनर्जी फ्लो करती है, क्योंकि कोशिकाओं में, सेल्स में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता रहता है, तो एनर्जी बाहर जाएगी। इस एनर्जी के साथ जो सन से कुछ गैसें बाहर प्रेशर से निकल गई हैं, वो गैसें बहुत दूर नहीं जाएंगी, वो गैसें सन के क्रोमोस्फीयर में कुछ दूर तक जाएंगी। बाद में क्या होगा, उनका टेम्परेचर घटेगा। जब उनका टेम्परेचर घटकर 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, याद रखिएगा सन के फोटोस्फीयर से निकलते समय उन गैसों का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब बाहर गई सन के क्रोमोस्फीयर में तो टेम्परेचर घटेगा। आग के भट्ठे से जैसे दूर जाएंगे तो टेम्परेचर तो घटेगा ही। जब टेम्परेचर उनका 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो गैसें पुनः सन में वापस आती हैं। क्यों? क्योंकि सन का ग्रेविटेशन भी तो है, और वो वापस आती हैं क्या, गैसें। लेकिन एनर्जी तो नहीं आएगी, एनर्जी तो सन से लगातार निकलती रहेगी, सामान्य इंसोलेशन के रूप में या सोलर फ्लेयर या प्रोमिनेंस के रूप में। अब आइए देखते हैं जो गैसें वापस आ रही हैं वो 2 सेल्स के बीच में कहीं वापस बैक होंगी, सेल्स में डायरेक्ट नहीं वापस आएंगी। क्यों? इसका उत्तर क्लियर होगा, क्योंकि सेल्स से तो एनर्जी निकल ही रही है, इसलिए 2 सेल के बीच में जब गैस वापस आएगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी, और आप सब सेल और जहाँ वापस आ रही है उस पर हाथ फेरे तो आपको कहीं गर्म लगेगा, कहीं ठंडा। बताइए कहाँ गर्म लगेगा, सेल्स गर्म लगेगी, क्योंकि यहाँ से एनर्जी बाहर निकल रही है, लेकिन 2 सेल के बीच का क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंडा लगेगा।
सेल का टेम्परेचर 6000 है, यहाँ का 4000 है। अब फिर शरीर ठंडा लगेगा तो आपके मुंह से एक आवाज निकल ही जाएगी, वाह क्या ठंडा है, कूलर है पूरा, कूलर। इसको कहा जाता है कूलर पैच। कूलर पैच किस आधार पर कह रहे हैं? टेम्परेचर के आधार पर उसको आपने कूलर पैच कहा। लेकिन आइए जरा देखते हैं कि पृथ्वी के लोग तो इसको अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो पृथ्वी के लोग अगर आंखों से देखेंगे तो उनको ज़्यादा प्रकाशित सेल दिखेंगे कि ज़्यादा प्रकाशित ये दो सेल के बीच का क्षेत्र दिखेगा, तो उत्तर स्पष्ट होगा, सेल ज़्यादा प्रकाशित दिखेगी और दो सेल के बीच का क्षेत्र काला काला दिखेगा, धब्बा दिखेगा। बस वो कह देंगे कि यह है सन स्पॉट, सौर कलंक, सौर धब्बा, उसका नाम पड़ गया। अब यूपीएससी तो आपसे पूछेगा ही कि आप बताइए यह घटना सन स्पॉट है, सौर कलंक है कि कूलर पैच है। तो आपको दोनों को हाँ कहना होगा, क्योंकि टेम्परेचर के आधार पर ये क्या होगा? कूलर पैच। लेकिन देखने के आधार पर यह होगा सन स्पॉट। तो कौन ताज्जुब है, एक ही व्यक्ति को दो लोग दो दृष्टि से देख सकते हैं। एक आईएएस है, उसकी पत्नी उसको, हाँ जी आज सब्जी नहीं लेके आए? उसका बेटा बेटी कहेंगे पापा आए, पापा आए लड्डू लाए। आईएएस तो एक, पापा तो एक, वो तो देखने वालों का नजरिया अलग अलग है। इसलिए यह घटना एक है लेकिन इसको देखने वालों की निगाह दो है, एक टच करके टेम्परेचर के आधार पर, एक दूर से पृथ्वी से देख करके। ये कूलर पैच जो होते हैं ये खिसकते रहते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, और या कह लीजिए सन स्पॉट भी खिसकते रहते हैं। जब सन में ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से ये एनर्जी ज़्यादा निकलती है, और वो एनर्जी ज़्यादा निकलकर सोलर फ्लेयर के रूप में बहुत तेज जाती है, ये देखा आपने। और जब सौर ज्वाला के रूप में जाएगी तो वह एनर्जी जो सोलर फ्लेयर होगी वो यहाँ पर सन के बाद कुछ हमारे ग्रह हैं जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इस तरह से ग्रह। ये जो है ये सोलर फ्लेयर 24 घंटे में पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, हमारी पृथ्वी तक सौर ज्वालाएं 24 घंटे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी तक ही आए, सन अपने सभी संतानों को 8 है या 9 इसको हम लोग देखेंगे। प्लूटो तक सोलर फ्लेयर जाते हैं और ये सोलर फ्लेयर हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में भी आते हैं, और पृथ्वी का वायुमंडल डेंस है, घना है। उस डेंस वायुमंडल से जब ये सोलर फ्लेयर पास होंगी सौर ज्वालाएं तो एक आवाज होती है और उस आवाज को विस्लर कहा जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी का सघन वायुमंडल है और सौर ज्वाला इधर से आ रही है, तो इधर से जब सौर ज्वाला आ रही है तो पृथ्वी के निचले वायुमंडल की डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, उससे जाएगी तो सौर ज्वाला और वायुमंडलीय गैसों के बीच में घर्षण होगा, साय साय की आवाज़ आएगी, सीटी की आवाज़ आएगी। तो पृथ्वी के लोग कहेंगे कोई सीटी बजा रहा है, सीटी बजाने वाले को विस्लर कहा जाता है। इसलिए इस एटमॉस्फेरिक इंसिडेंस को हम विस्लर कहते हैं। और अगर कोई दो लोग बातचीत कर रहे हैं उनके बीच से एक सीटी बजाता भाग जाए तो कहेंगे ना कि डिस्टर्ब कर दिया, बात में बाधा पड़ गई। एग्जैक्ट यहाँ भी होता है, हमारी पृथ्वी है और इसके सेटेलाइट IRS है, इनसाइट, और पृथ्वी और इनसाइट के बीच में टेली कम्युनिकेशन से बात होती रहती है, हमारे मोबाइल हैं, हमारे जितने भी इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात होती है। वो जब विस्लर बीच से निकल जाएगा
तो उसकी साय की आवाज़ डिस्टर्ब कर देगी। मोबाइल में भी पकड़ सकता है, हमारे दूरदर्शन में पकड़ सकता है। इस तरह से विसलर्स सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये घटनाएं होती रहती हैं। तो ये आपने देखा कि विसलर्स किस तरह से टेलीकम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। अब हमारी जो सोलर फ्लेयर्स जाती है तो सन के क्रोमोस्फीयर में वो पहुंचती हैं, और सन के क्रोमोस्फीयर से आपने देखा था कि एनर्जी तो सन में नहीं वापस होगी, क्योंकि एनर्जी हमेशा सन जो हाई सोर्स है वहाँ से बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन गैसें सन में पुनः वापस आ जाएगी। तो एक समय ऐसा आता है कि सन का क्रोमोस्फीयर एनर्जी और गैसों से भर जाता है, जैसे किसी की बारात आ गई हो। लेकिन शादी के बाद सुबह क्या देखते हैं, घर आती अलग बराती अलग, कौन वहाँ रहता है, कोई नहीं, खाली, कोरोना कुत्ता रोना, कुत्ते वहाँ रोते रहते हैं, यही तो है कोरोना। कोरोना माने क्रोमोस्फीयर में एक समय होता है कि जब बहुत हाई अमाउंट में सन की एनर्जी गैस दोनों रहती है, लेकिन जैसे ही एनर्जी बाहर गई अपने ग्रहों की तरफ और गैसें वापस आ गईं, तो वहाँ एक खाली जगह हो जाती है वैक्यूम, और वहाँ पर हेलो एक हल्की सी फेंट लाइट दिखती है, उसी को कोरोना कहा जाता है। तो कोरोना क्या हुआ, हमारे सन की एटमॉस्फेयर की एक घटना। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे सन में जो एक्टिविटीज होती हैं, एक सन स्पॉट को एक एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे हमारे सन में एक स्पॉट लगा तो एक एक्टिविटी। यह स्टार्ट कहाँ से होता है, सन के इक्वेटर से, ये सन का इक्वेटर है, और इस तरह से इक्वेटर से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 50 60 70 80 90, तो सन के इक्वेटर से ये सन स्पॉट शुरू होते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 40 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं, और 40 डिग्री नॉर्थ पर जाने के बाद सन स्पॉट फिर लौटते हैं। तिनको इक्वेटर से और 40 डिग्री नॉर्थ जाने में 5.5 वर्ष लगता है। एक सन स्पॉट, दो सन स्पॉट, तीन स्तर से बनते चले जाते हैं, और 5.5 वर्ष में यहाँ से फिर वापस यहाँ आते हैं। इस तरह से 5.5 वर्ष जाने में और 5.5 वर्ष आने में कितना कुल हो गया, 11 वर्ष। ये 11 वर्ष सन स्पॉट साइकिल होती है, इसको सौर कलंक चक्र कहा जाता है। आपने देखा कि सन स्पॉट साइकिल 11 ईयर्स की होती है। इस साइकिल में एक सोलर मैक्सिमा होता है, एक सोलर मिनिमा, अर्थात एक बार सन से मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी निकलती है और उसमें सन स्पॉट बहुत बड़े बड़े होते हैं। कहाँ होगा, आप जरा अंदाज लगाइए, सन के इक्वेटर पर या 40 डिग्री नॉर्थ पर। तो स्पष्ट है सन का इक्वेटोरियल पार्ट ज़्यादा बल्ज्ड है। वहाँ पर जैसे आप अर्थ को एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अर्थ का इक्वेटोरियल पार्ट भूमध्य रेखीय भाग ज़्यादा उभड़ा हुआ है, ज़्यादा मास है, ऐसे ही सन में भी है। परिणाम क्या होता है कि सन के इक्वेटोरियल रीजन में कोर में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए सन के मिडिल पार्ट या इक्वेटोरियल पार्ट से निकला हुआ एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में होगी, और जितनी अधिक मात्रा में एनर्जी निकलेगी उतना ही बड़ा सन स्पॉट होगा। क्या यह बात आपको पसंद आ रही है, नहीं? और जब यह सन स्पॉट घूमते घूमते 40 डिग्री नॉर्थ चला जाएगा तो सन का वहाँ पर मास कम है, इसलिए वहाँ पर सोलर मिनिमा होगा और इक्वेटर में सोलर मैक्सिमा होगा, और सोलर मैक्सिमा में एनर्जी बहुत निकलेगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी
वो पृथ्वी पर उतनी ही ज़्यादा जाएगी और पृथ्वी के टेम्परेचर को भी प्रभावित करेगी। सन इट्स पार्ट्स अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड इंडियन मानसून। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सन स्पॉट जितना बड़ा होगा क्या सन से उतनी ही ज़्यादा एनर्जी निकलेगी कम? इसका सरल सा उत्तर है भाई, सन के सरफेस पर जितना बड़ा धब्बा होगा इससे स्पष्ट हो रहा है कि उतनी ही कम एनर्जी निकलेगी। लेकिन बात कुछ और है, बात यह है कि सन स्पॉट जितना बड़ा होगा वो सिद्ध कर रहा है कि उतना ही ज़्यादा गैस सन के क्रोमोस्फीयर से उसमें वापस गई है, और अगर ज़्यादा गैस वापस गई है तो सिद्ध कर रहा है कि जितनी ज़्यादा गैस सन से निकली होगी, और ज़्यादा गैस निकली होगी तो उसको निकालने में सन से अधिक मात्रा में एनर्जी आई होगी। सिंपल सी बात है, द मोर द एनर्जी आर लार्जर द सोलर फ्लेयर द मोर द अमाउंट ऑफ गैस रिलीज्ड एंड द लार्जर द सन स्पॉट। सीधा सा है, जितनी अधिक मात्रा में यहाँ से एनर्जी निकली है जितना बड़ा सोलर फ्लेयर होगा उतनी ही ज़्यादा गैस जाएगी, वो गैस पृथ्वी और ग्रहों तक अंतरिक्ष में नहीं जाएगी, उस सब की सब गैस वापस होगी। इसलिए यदि आप देखिए कि सन स्पॉट बहुत बड़ा है तो सिद्ध कर रहा है कि उससे सोलर फ्लेयर बहुत ज़्यादा निकले हैं, और वो सोलर फ्लेयर प्रभावित करेंगे पूरे सोलर सिस्टम को, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आइए देखते हैं कि हमारा एक सन स्पॉट साइकिल 11 ईयर्स की होती है, और एक साइकिल में 120 सोलर एक्टिविटीज़ के लगभग होते हैं, कम ज़्यादा होती रहती, और सन स्पॉट साइकिल तो जब से सूरज बना तब से चल रही है, लेकिन गिनती कब से शुरू हुई? जब से मनुष्य जागरूक हुआ या सोलर एक्टिविटी को पहचानने लगा, तो अभी तक 23 सन स्पॉट साइकिल्स कंप्लीट हो गई, 23 कब तक? 2015 तक, और इस समय 24th सन स्पॉट साइकिल चल रही है। अब आप बताइए, कैलकुलेट करिए कि 24वीं सन स्पॉट साइकिल कब पूरी होगी। अगर 23वीं 2015 में पूरी है तो उसमें 11 साल जोड़ दीजिए, तो तब तक के लिए आपका जीएसई कंप्लीट। सन स्पॉट साइकिल हमेशा 11 ईयर पे चलती रहती है। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें इक्वेटोरियल रीजन में सोलर एक्टिविटी को यहीं से स्टार्ट होती है, सोलर मैक्सिमा कहते हैं, क्योंकि यहीं से सन स्पॉट बहुत बड़े बड़े लगते हैं, और जब 40 डिग्री पे जाता है तो इसको सोलर मिनिमा कहते हैं, और सोलर मिनिमा के समय एनर्जी बहुत कम आएगी और पृथ्वी को भी कम एनर्जी मिलेगी, और उस समय टेम्परेचर कम हो जाएगा। सोलर मिनिमा की एक रिकॉर्डेड एविडेंस है कि ये आपका ईयर 1645 से 1700 तक में ये घटना हुई थी। उस समय सन से एनर्जी बहुत कम आई, बहुत कम आई तो पृथ्वी को बहुत कम मिली, बहुत कम मिली तो पृथ्वी का टेम्परेचर घटा, और घटा तो इसमें जल जमने लगा, जमने लगा तो उसको हम लोग आइस एज डिक्लेयर कर दिए, हिमयुग, और रसा में इसको स्पेशल रूप से ट्रेस किया गया, इसलिए यूरोप में इसको हम लोगों ने कह दिया लिटिल आइस एज। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे सूरज में कैसे इसके कोर से प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसके सरफेस तक जाती है, और इस तरह से कैसे यह एनर्जी और सन स्पॉट सभी ग्रहों को प्रभावित करता है। ये रही सूरज की कहानी, और इसी तरह से हर तारों की एक कथा होती है।